आईपीएल 2022 के 21वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस की टीम आमने सामने थी। इस मैच में हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात को हैदराबाद ने 8 विकेट से हरा दिया। मैच में हैदराबाद के बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी काफी चर्चा में रही। वहीं गुजरात के कैप्टन हार्दिक पांड्या भी मैच में चर्चा का विषय बने रहे। बल्लेबाजी के दौरान हार्दिक पांड्या ने अर्धशतक लगा के चर्चा बटोरी, लेकिन जब गेंदबाजी करने की बारी आई तो हार्दिक पांड्या ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से क्रिकेट फैंस उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। गुजरात के कैप्टन हार्दिक पांड्या ने अपने ही टीम के सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद शमी पर भड़के हुए नजर आए, लेकिन इसके बाद मोहम्मद शमी ने अपनी टीम के कैप्टन को कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल ये सब कुछ हुआ हैदराबाद की पारी के तीर में ओवर की आखिरी गेंद पर, जब राहुल त्रिपाठी ने पीछे की तरफ अपर कट लगाया और गेंद मोहम्मद शमी के पास जाके गिरी, जिसके बाद हार्दिक पांड्या मोहम्मद शमी पर इसलिए गुस्सा हो रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि मोहम्मद शमी को कैच के लिए जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ मोहम्मद शमी ने गेंद को रोकने का सोचा। हार्दिक पांड्या के इसी ओवर में केन विलियमसन उन्हें लगातार 2 छक्के लगा चुके थे। शायद इसी बात का गुस्सा हार्दिक पांड्या ने मोहम्मद शमी पर निकाल दिया। हार्दिक पांड्या के ऐसे करने के बाद सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैन ने हार्दिक पांड्या की आलोचना की। फैंस का मानना था कि हार्दिक पांड्या को मोहम्मद शमी जैसे वरिष्ठ गेंदबाज के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आपका क्या कहना है इस बारे में, कमेंट करके जरूर अपनी राय रखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे आने वाली वीडियोज़ की।